पिछली वीडियो हमने बनाई थी सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर, उसकी सारी डिटेल्स हमने उस वीडियो में दी थी। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एक और पॉलिसी है कोई LIC की जो इससे मिलती जुलती है। तो आज की इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि पॉलिसी और इस LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जो कि कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी फेमस है, इसी नाम से बिकती है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा फायदेमंद है या आपको कौन सी लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अमित ढोंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्टर। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि एक सरकारी प्लान है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस प्लान की जो है शुरुआत हुई थी 2015 में जनवरी में। और इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हर 3 महीने में सरकार द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो कि फिलहाल सरकार की टॉप मोस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली जो दरें हैं उनमें ये प्लान आता है। सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, उसमें वो केवल एक सेविंग स्कीम है। लेकिन वहीं LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो है वो एक सेविंग के साथ साथ इंश्योरेंस भी देती है। सुकन्या समृद्धि योजना केवल लड़कियों के लिए खुलवाई जा सकती है, गर्ल चाइल्ड के लिए, लेकिन LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको साल का 1.5 लाख तक का ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं। LIC वाली पॉलिसी में आपके कोई अपर लिमिट नहीं है निवेश करने की, और मिनिमम जो है वो 250 ही है सुकन्या समृद्धि योजना की तरह। सुकन्या समृद्धि योजना वाली पॉलिसी आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक से ले सकते हैं। वहीं LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसे कन्यादान वाली पॉलिसी भी बोलते हैं, उसको आप LIC से ही ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि वाली पॉलिसी का जो टोटल टर्म है जब तक वो पॉलिसी चलेगी वो है 21 साल तक, जिसमें केवल आपको 15 साल तक ही प्रीमियम पे करना पड़ता है। उसके बाद आपको बस इंतजार करना है और लास्ट में मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी टोटल टैक्स फ्री। LIC के जीवन लक्ष्य पॉलिसी में आपको 13 साल से 25 साल तक का टेन्योर मिलता है। इसके बीच में आप कुछ भी टेन्योर चूज कर सकते हैं कि आपको पॉलिसी कितने अवधि के लिए चाहिए। मान लेते हैं कि अगर आपको 21 साल की पॉलिसी चाहिए तो आप 18 साल तक ही प्रीमियम पे करेंगे और बाकी के 3 साल आप इंतजार करेंगे। अब लिक्विडिटी की अगर बात करेंगे, अगर मान लेते हैं बीच में हमें अगर पैसा चाहिए, तो सुकन्या समृद्धि योजना में जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो आप उसमें से 50% पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं जीवन लक्ष्य पॉलिसी में, जो LIC की है पॉलिसी, उसमें आप 2 साल बाद ही 80% पैसा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स रिबेट की, तो दोनों ही पॉलिसीज में अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का रिबेट दोनों पॉलिसी में मिलता है। और जो मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलता है आपको, वो भी टोटल टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D के तहत। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है जो भी आपका प्रीमियम पे कर रहा है उनका, लेकिन LIC वाली पॉलिसी, जैसे कि नाम से पता चलता है कि लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी है, तो वो इसके साथ लाइफ इंश्योरेंस का एक फीचर और दे देती है, जिससे कि अभिभावक जो कि प्रीमियम पे करता है उसकी लाइफ जो है वो कवर रहती है, और मैक्सिमम जो कवर रहता है वो सम अश्योर्ड जितना रहता है, जितने का भी आप सम अश्योर्ड लेंगे उतना ही कवर उनको मिलेगा। अब बात करते हैं रिटर्न की, तो सुकन्या समृद्धि योजना में रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं होते, वेरिएशन होता रहता है, और सरकार डिसाइड करती है हर 3-3 महीने में कि कितना इसमें इंटरेस्ट देना है लोगों को। वहीं LIC की गणना एक अलग ही तरीके से होती है, वो कुछ बोनस पॉइंट्स आपको ऐड करते हैं और वो बोनस पॉइंट सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं। तो LIC वाला जो परसेंटेज मिलेगा वो आपको 6 या 6.5 के आसपास मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें कि सुकन्या समृद्धि योजना के भी 21 साल वाली टर्म ले लेते हैं और जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो है, जो कन्यादान वाली पॉलिसी है, उसको भी 21 साल का ही टर्म मान के चलते हैं। इन दोनों में फेयर कंपैरिजन के लिए हम 1,000 रुपये दोनों में निवेश करेंगे, तो साल का हो जाता है 12,000 रुपये। सुकन्या समृद्धि योजना की करंट रेट चल रहा है 7.6%, तो इसी को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये हर साल या 3 महीने में सरकार चेंज कर सकती है। फिलहाल कंपैरिजन के लिए हम आज का रेट पकड़ लेते हैं, तो 7.6% के हिसाब से सुकन्या समृद्धि योजना में जो आपकी रिटर्न निकल के आएगी वो आएगी 5,70,000 रुपये के आसपास, और जीवन लक्ष्य वाली पॉलिसी में ये अमाउंट आएगा 4,60,000 रुपये के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि इसमें तो ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, लेकिन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि जब ये योजना शुरू हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना, तो इसका इंटरेस्ट जो था 9 पॉइंट समथिंग था, वो आज घट के 6-7 सालों में 9% से घटकर 7.6% तक आ चुका है। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया जैसे जैसे डेवलप करेगी वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे हिसाब से तो कम ही होते जाएंगे। बाकी अगर सरकार इस पे जोर देगी या ऐसा कुछ इसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगी तो वो अलग चीज़ है। और जो LIC की जो पॉलिसी है इसमें जितना रिटर्न था वो गारंटीड होता है। अब इसमें कुछ मेजर डिफरेंस और फैक्टर्स देख लेते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन प्रीमियम सुकन्या समृद्धि योजना में कहीं दिखाई नहीं देता। उसमें ये है कि साल का आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक का कुछ भी जमा करें, कितनी बार भी जमा करें तो इतना अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है उसमें जमा करने की, कोई ऐसा फिक्स मंथ नहीं है। लेकिन LIC वाली पॉलिसी में आप मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली, जो भी आप इसमें चूज करेंगे, उसमें आप एक डिसिप्लिन मैनर में प्रीमियम भर पाएंगे।
अगला आता है रिस्क कवर। सुकन्या समृद्धि योजना में रिस्क कवर कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि सरकारी पॉलिसी है, बेसिक जो उसका मोटिव है वो सेविंग प्लान है, इंश्योरेंस नहीं है, तो उन्होंने खाली उतना ही दिया है। LIC जैसे कि इंश्योरेंस के लिए ही पॉपुलर है, तो उन्होंने अपना एक इंश्योरेंस भी इसमें डाल दिया है। इन केस अगर जो प्रीमियम दे रहे हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में सुकन्या समृद्धि योजना वाली पॉलिसी में बंद करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाएगा, अनलेस और अंटिल कोई दूसरा घर का व्यक्ति उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने में उसकी मदद ना करे। तो LIC वाली पॉलिसी में सम एश्योर्ड का 10% ईयरली आपको मिलेगा जब तक कि इस पॉलिसी का टर्म कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब 22,000 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं प्रीमियम कौन भरेगा अगर अभिभावक की डेथ हो जाती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में तो कोई नहीं भर पाएगा, लेकिन LIC वाली पॉलिसी में प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा, उसको फिर प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनकी पॉलिसी चलती रहेगी। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों प्लान जो हैं वो अलग अलग हैं। और आपको ये सब देख के सुन के ये लग रहा होगा कि भाई LIC वाली पॉलिसी तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो अभिभावक को भी इंश्योरेंस मिल रहा है, और अगर अभिभावक की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी पॉलिसी चलती रहेगी, और लास्ट में मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलेगा, हर साल जो है वो सम एश्योर्ड का 10% भी मिलेगा, सब कुछ मिलना ही मिलना हो रहा है इसमें। लेकिन ये चीज़ आप देखिए कि एक तो आपको इसमें सुकन्या समृद्धि योजना से कम अमाउंट मिल रहा है, 1.5 लाख के आसपास, तो वो जो अमाउंट मिल रहा है उसका आप अपने लिए या अभिभावक अपने लिए टर्म प्लान ले सकते हैं, जिसका प्रीमियम आपका कम आएगा पर ईयर, और कवर जो LIC की पॉलिसी से मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा होगा। तो आप इस पे भी विचार कर सकते हैं कि आप सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ जाएं और अलग से एक टर्म प्लान ले लें। तो अगर इन केस ऐसा कभी ना हो वैसे, लेकिन अगर अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उस टर्म प्लान से मिलने वाले पैसे से वो पॉलिसी भी चलती रहेगी, घर का खर्चा भी चलता रहेगा, सब कुछ सही तरीके से चलता रहेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन बस इतना ही है कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना ले रहे हैं, सरकार पर अगर आप विश्वास बनाए रख रहे हैं, तो साथ में एक टर्म प्लान भी ले लें, जिससे कि आप भी चिंता मुक्त रहेंगे, आपकी बिटिया और परिवार भी सुरक्षित रहेंगे, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और इन दोनों प्लान में बस यही था आज का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं आज का ये कंपैरिजन मैं आपको समझा पाया हूंगा, आपको ढंग से समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको कंपैरिजन? कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं। मेरा नाम है अमित ढौंडियाल, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।